आज हम लोग काइनेमेटिक्स की बिगनिंग करेंगे। काइनेमेटिक्स जो कि फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्लास 11 की फिजिक्स का, मैकेनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जहां से हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स को। काइनेमेटिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन यानी कि हम फोर्स, वर्क, एनर्जी, जो डायनेमिक्स वाला एस्पेक्ट है, उसको नहीं फोकस करते हैं कि मोशन कहाँ से आ रहा है या मोशन कहाँ से चेंज हो रहा है, बट मोशन हो रहा है और उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन जैसे वेरिएबल्स को यूज करते हैं अपार्ट फ्रॉम टाइम। तो ये काइनेमेटिक्स कहलाता है। काइनेमेटिक्स मतलब किसी पार्टिकल के मोशन को स्टडी करना विद द हेल्प ऑफ काइनेमेटिक वेरिएबल्स। और काइनेमेटिक वेरिएबल्स यही है, पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। बाकी टाइम के साथ तो ये सारी चीजें चेंज हो ही रही है, क्योंकि मोशन इज डिफाइंड एज चेंज ऑफ पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम भी एक एस्पेक्ट है। तो ये काइनेमेटिक्स है। हम फोर्स की और वर्क की, एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कहाँ से ही हो रहा है मोशन, कैसे चेंज हो रहा है, उसके बारे में बात ही नहीं करते। जब काइनेमेटिक्स स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज हम लोग करते हैं कि मोशन क्या है। भाई मोशन, काइनेमेटिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन। तो मोशन की वैसे मैंने थोड़ी बहुत डिफिनेशन अभी बताई थी, बट मैं दोबारा बताने जा रहा हूँ। मोशन का मतलब होता है किसी पार्टिकल का चलना। चलना मतलब सेंस, फिजिक्स में क्या सेंस है। तो देखिए, पहली चीज तो हमें यह समझनी पड़ेगी कि फिजिक्स में हम लोग मोशन जब भी डिफाइन करते हैं तो दो टर्म लाते हैं। एक जिसका मोशन हो रहा है, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, जो मैंने यहाँ पे ओ से दिखाया है, और एक जो मोशन को देख रहा है, जिसको बोलते हैं ऑब्जर्वर। और फिजिक्स में मोशन सिर्फ ऑब्जेक्ट का नहीं होता, फिजिक्स में मोशन जब हम डिस्क्राइब करते हैं, वी नीड एन ऑब्जर्वर। फिजिक्स में जब भी हम मोशन डिस्कस करते हैं तो ऑब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जर्वर जरूर आएगा। तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर वो जिसने मोशन को देखा और ऑब्जेक्ट जिसका देखा गया। तो मान लीजिए एक ऑब्जर्वर और ये सामने रखे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, पेन है, पेंसिल है, फ्लाई है, मान ली फ्लाई है, और ये ऑब्जर्वर आप हो। तो आपने किसी फ्लाई को देखा, ऑब्जर्वर ने ऑब्जेक्ट को देखा, तो उसने एक स्ट्रेट लाइन, एक मेंटली हाइपोथेटिकली या रियलिटी में कनेक्ट कर ली, दोनों हो सकता है, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं। तो ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट की तरफ जाने वाली इस लाइन को बोलते हैं पोजीशन। पोजीशन इज ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ऑब्जर्वर टू ऑब्जेक्ट। तो काइनेमेटिक्स में बिगिनिंग में सबसे पहला जो टर्म इंट्रोड्यूस होता है वो होता है पोजीशन। पोजीशन आपको जैसे 10th तक आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, एक्स, एक्स वाई या एक्स वाई जेड के टर्म्स में हम लोग लिखते हैं। तो वैसे ही समझ लीजिए, ये ऑब्जर्वर जो है अपने आपको एक रेफरेंस फ्रेम, एक और वर्ड मैंने यूज किया, रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम इज ए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इनको रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। तो ऑब्जर्वर अपने आप को इस रेफरेंस फ्रेम के ओरिजिन पे रखता है। अब ओरिजिन पे रखने के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, ये दिख ही रहा है एक्स वाई प्लेन, बोर्ड के प्लेन पे मैंने डायग्राम बनाया था। तो ये रहा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जर्वर ने ऑब्जेक्ट के कुछ कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई नोटिस किए होंगे, तो वो उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स कॉमा वाई या एक्स सिंपली एक्स एक्सिस पे या सिंपली वाई या एक्स वाई जेड, तीनों कोऑर्डिनेट्स के रेस्पेक्ट में। और टाइम को भी एक अगर हम मान लें, स्पेस फोर डायमेंशनल मान लें, तो टाइम भी एक कोऑर्डिनेट है। तो ऑब्जर्वर ने ऑब्जेक्ट की एक स्ट्रेट लाइन, अगर हम एक वेक्टर ड्रॉ कर दें, तो उसको बोलते हैं पोजीशन, जो कि मैंने यहाँ पे एक्स से दिखाई। अगर रेक्टिलिनियर वन डायमेंशनल मोशन की बात करें, रेक्टिलिनियर का मतलब एक लाइन होने वाला मोशन, वन डायमेंशनल एक लाइन में, टू डायमेंशनल दो एक्सिस में, एक्स वाई जेड में साइमल्टेनियसली, एक्स वाई में साइमल्टेनियसली होने वाला, और बाकी इन जनरल थ्री डायमेंशनल एक्स वाई जेड में, तीनों में एक साथ अगर कोऑर्डिनेट्स चेंज हो तो। तो अब मान लीजिए ऑब्जर्वर ने ऑब्जेक्ट की देखी एक पोजीशन अपने से स्ट्रेट लाइन, और ये पोजीशन टाइम के साथ वही रहती है, चेंज नहीं होती है, तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। और अगर ये ऑब्जेक्ट चलने लगे और इसकी पोजीशन चेंज होने लगे, देखिए इसकी पोजीशन ओ से चेंज होके ओ डैश हो गई है, पोजीशन चेंज होने लगे, तो चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट हैज बीन डिस्प्लेस्ड From O to O dash, object has been displaced from O to O dash, और यही motion है। Motion is defined as change of position, लेकिन किसका? Object का, किसके respect में? With respect to observer। आप खुद ही बताइए, मान लीजिए क्या होता कि observer भी चल देता object के साथ, और बिल्कुल similar manner में ही चल देता, जिस तरीके से जैसे ये object चला जिस fashion में, उसी fashion में observer चल देता, और observer से object के बीच की ना तो distance बदलती ना direction बदलती, तो कोई motion नहीं होता। तो motion simply change in position of object नहीं है, मोशन इज चेंज इन पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। मान लीजिए आपका फ्लाई आपके रिस्पेक्ट में
जो है वो आप रुके हैं, फ्लाई चल गया तो मोशन है, लेकिन फ्लाई जिस डायरेक्शन में, मान ली बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चला जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, और आप भी उसी डायरेक्शन में, जैसे ये 4 मीटर पर सेकंड से मान ली एक्सेसिस के लॉन्ग चलने लगे, और ऑब्जर्वर भी 4 मीटर पर सेकंड से अगर एक्सेसिस के लॉन्ग चलने लगे, फिर दोनों के बीच में कोई पोजिशन चेंज नहीं होगी, कोई मोशन नहीं होगा। इसलिए हम लोग एक रेफरेंस फ्रेम वर्ड यूज करते हैं, मोशन जो होता है वो रेफरेंस फ्रेम के रिलेटिव बताते हैं, हमेशा वेलोसिटीज और मोशन रिलेटिव बताया जाता है, इसीलिए हम लोग जो है एब्सोल्यूट सेंस में मोशन या एब्सोल्यूट सेंस में रेस्ट डिफाइन नहीं करते। तो क्या बनी मोशन की डिफिनेशन? मोशन की डिफिनेशन बची, मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। पोजीशन बदलनी चाहिए, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट अगर पार्टिकल की पोजीशन है, यानी कि जो भी पार्टिकल की लोकेशन है वो बदलनी चाहिए। अब जैसे एक लाइन में हम बात करें, 1 डायमेंशनल मोशन में, ऑब्जर्वर को मैंने ओरिजिन पे ले लिया, पार्टिकल इनिशियली X1 पे था, फाइनली चलते चलते X2 पे पहुंच गया, तो इनिशियल पोजिशन X1, फाइनल पोजिशन X2, मोशन क्या है? चेंज इन पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो X1 से X2 जाने में पार्टिकल कितना चला, तो अमाउंट ऑफ मोशन बताने के लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस बताता है कि पार्टिकल ने एक्चुअल कितना चला, भाई पार्टिकल X1 पे यहाँ पे था पर X2 पे पहुंचा, जरूरत हो ना कि पार्टिकल X1 से X2 ऐसे दौड़ के सीधे ऐसे पहुंच गया हो सकता है कि पार्टिकल पहले आगे गया हो फिर घूम के आया हो, या पार्टिकल पहले पीछे गया हो फिर घूम के आया हो। तो पार्टिकल के X1 से X2 पहुंचने के इनफिनाइट वेज हो सकते हैं, तो इन इनफिनाइट वेज में हर एक का अपना अलग अलग डिस्टेंस होगा। ये वाली डिस्टेंस देखिए कम है जो डायरेक्ट वाली थी, ये वाली थोड़ी सी ज्यादा है, ये वाली थोड़ी सी और ज्यादा है, तो डिस्टेंस उसका एक्चुअल पाथ बताता है। एक्चुअल एक्चुअल का मतलब है जो उसने पार्टिकल ने सच में चला, ये एक्चुअल है। टोटल पाथ लेंथ उसका बताता है, एक्चुअल पाथ बताता है, एक्चुअल एक्चुअल, और इससे एक्चुअल। अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो बताता है शॉर्टेस्ट, X1 से X2 में शॉर्टेस्ट तो यही है, दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन वाला गैप, तो जो X1 से X2 में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्टेंस जहां पे एक्चुअल था, डिस्प्लेसमेंट वहां पे शॉर्टेस्ट बताता है, वो एक्चुअल था और ये वाला बताता है शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट आपको मालूम है, जो हमने बोली दिया शॉर्टेस्ट का मतलब, इसका मतलब सबसे जो छोटा रास्ता होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट, और जो एक्चुअल पाथ होता है वो होता है डिस्टेंस। अच्छा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों मीटर में अगर लेंगे SI में, तो दोनों की यूनिट सेम है, दोनों की डायमेंशन सेम है L की पावर 1, और दोनों का पर्पज यही है अमाउंट ऑफ मोशन बताना। अच्छा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम डिफरेंसेस कर लेते हैं, ये आपको फिगर दिख रहा होगा, ये I है और ये F है, पार्टिकल यहां से एक्चुअल पाथ ये है, ये जो कर्व वाला दिख रहा है एक्चुअल पाथ ये ऐसे पहुंचा, और शॉर्टेस्ट पाथ देखेंगे तो ये शॉर्टेस्ट पाथ है, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट और ये वाला डिस्टेंस है। अब दोनों में डिफरेंस, डिस्टेंस एक्चुअल है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट है, और ये पाथ लेंथ बताता है, ये बताता है इनिशियल टू फाइनल मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन बताता है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस। देखिए लगातार इसमें डायरेक्शन तो बदल ही रही है, तो इसमें डायरेक्शन बताने को मतलब ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट जो है इनिशियल टू फाइनल, एक आप एरो बना दो इनिशियल टू फाइनल, तो एक वेक्टर होती है, वेक्टर मतलब डायरेक्शन के साथ, तो स्केलर जो चीजें हैं वो मैग्नीट्यूड होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, और एक मूविंग पार्टिकल के लिए हमेशा बढ़ती भी रहती है। भाई पार्टिकल चलता जा रहा है, कहीं पे भी चले, 10 मीटर आगे जाए 10 मीटर पीछे आ जाए, तो जरूरत होने हो जाएगी डिस्टेंस, डिस्टेंस तो 20 मीटर होगी, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, वो बढ़ती रहती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है डायरेक्शन के साथ वेक्टर होता है। तो डायरेक्शन अगर हम एक लाइन में डायरेक्शन एक साइड को पॉजिटिव बोल दें एक साइड को नेगेटिव बोल दें, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। अभी मैंने बताया कि 10 मीटर आगे गए 10 मीटर पीछे आए, तो डिस्टेंस तो 20 ही है, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया अगर उसी लाइन पे आए, तो प्लेसमेंट बढ़ भी सकता है घट भी सकता है जीरो भी रह सकता है और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। अच्छा ये तो दिख ही रहा होगा कि एक कर्व पाथ है और एक शॉर्टेस्ट है स्ट्रेट लाइन, तो बड़ा कौन होगा? तो बड़ा होगा डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है तो हम उसके मैग्नीट्यूड से कंपेयर करें तो बड़ा होगा डिस्टेंस, छोटा होगा डिस्प्लेसमेंट। इक्वल कब होंगे? तो अगर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चले और विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, सेम लाइन सेम डायरेक्शन, कैसे चले बोलो? सेम लाइन सेम डायरेक्शन, कैसे चले? सेम लाइन सेम डायरेक्शन, सेम लाइन सेम डायरेक्शन में चलते रहे तो वही डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है बड़ा हो सकता है, कर्व पाथ में हमेशा बड़ा ही होगा, और स्ट्रेट लाइन में अगर बिना डायरेक्शन बदले चले तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। अच्छा आप कुछ क्वेश्चन कर लेते तो और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए एक मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई थी क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था, कि आई है ये एफ है, और पार्टिकल जो है आई से एफ तक पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट कितना? तो X2 - X1, तो समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन मैंने बताया था, क्वेश्चन देखिए क्या है, पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन ये देखिए दिख रहा है आपको X = 1, ये X = 1 से आगे बढ़ा X = 4 तक, ये 1 है ये 4 है, फिर X = 4 से पीछे लौटा -2 तक, फिर गया -6 तक, आपको दिख रहा है ये X = 1 से गया 4,
फिर आपका ये पीछे गया और x इक्वल टू -6 तक गया। तो पूछा गया था कि बताइए टोटल डिस्टेंस कितनी है और कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो देखिए टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको पहली चीज तो ये देखनी पड़ेगी कि पार्टिकल की इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, पार्टिकल की फाइनल पोजीशन कितनी है। तो फाइनल देखिए कहाँ तक गया, -6 तक गया है पार्टिकल, फाइनल कहाँ तक गया, -6 तक। इनिशियल कहाँ से स्टार्ट किया था, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन, तो फाइनल पोजिशन -6 है। इनिशियल पोजिशन, अब इनिशियल पोजिशन शायद मैंने एक्स इक्वल टू -1 ली थी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स इक्वल टू -1, मैंने 1 बोल दिया होगा, बट इनिशियल पोजिशन -1 है। ये देखिए फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन, -2 -x1 -6 -1, तो ये आएगा -6 -1 -6 +1 -5, ये आया डिस्प्लेसमेंट, ये आया डिस्प्लेसमेंट -5। और आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस देखिए ऐसा है कि एक्स इज इक्वल टू, मैंने इसको -1 बना दिया, मुझे याद नहीं है मैंने बोर्ड पे क्या लिखा था, इसलिए मैं इसको एडिट कर रहा हूँ। एक्स इज इक्वल टू -1, तो जब ये एक्स इज इक्वल टू -1 से 4 तक आगे गया होगा, तो एक्स इज इक्वल टू -1 से 4 में 5 मीटर आगे गया होगा। मैं लाइन दोबारा बना देता हूँ, -1 से 4 तक जाने में ये गया होगा 5 आगे, फिर ये ओरिजिन पे आया होगा, तो ओरिजिन तक आने में ये ओरिजिन यहाँ कहीं होगा 0, तो ओरिजिन से आने में ये 5 + 4 9 चल गया, फिर ओरिजिन से -6 तो 9 + 6 15 चल गया। तो टोटल ये डिस्टेंस चल रहा है 15, जब आगे पीछे हमने सब जोड़ दिया, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका -5, क्योंकि -6 इसलिए क्योंकि लेफ्ट साइड हो रहा है। सर्किल का क्वेश्चन करते हैं, ये एक सर्किल है, पार्टिकल ए टू बी जा रहा है, ए टू बी। अच्छा इसमें मैंने कई सारे किए थे, ए टू बी भी किया था, 3 रिवोल्यूशन भी किए थे, 2 रिवोल्यूशन भी किए थे, तो चलिए एक बार कर लेते हैं। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में डिस्टेंस कितनी होगी, तो एक बार जब घूम फिर के आ जाएगा सर्किल में तो 2πr चला। डिस्प्लेसमेंट कितना है, जब घूम फिर के वहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। 3 रिवोल्यूशन, 3 रिवोल्यूशन में पहले रिवोल्यूशन में 2πr, दूसरे में 2πr, तीसरे में 2πr, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 6πr। लेकिन घूम फिर के वो ए से स्टार्ट करके ए पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। फिर 4.5 रिवोल्यूशन, 4.5 रिवोल्यूशन का मतलब है 1 रिवोल्यूशन, 2 रिवोल्यूशन, 3 रिवोल्यूशन, 4 रिवोल्यूशन, और आधे रिवोल्यूशन में पार्टिकल यहां से लेके यहां तक आएगा। तो 4.5 रिवोल्यूशन में देखिए डिस्टेंस कितना चला, 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 2πr, क्योंकि हर एक रिवोल्यूशन में 2πr चलता है, तो ये हो गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट देखिए यहां से यहां तक डायमीटरिकली एक्सट्रीम तक जाने में डायमीटर के बराबर 2r का हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट 4.5 में कितना हुआ, 2r हुआ। इसी तरीके से हम और भी निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, ए पार्टिकल सम नॉर्थ सम ईस्ट सम वेस्ट चला, तो ये वेक्टर वाला ये फिगर भी क्लियर नहीं है, तो मैं छोड़ देता हूँ। एक अगला क्वेश्चन, x इज इक्वल टू t² - 2t+1, 0 से 2 सेकंड के बीच में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। देखिए ये वाला जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें मैंने 0 से 2 सेकंड में डिस्टेंस भी, डिस्प्लेसमेंट भी, एवरेज स्पीड भी, एवरेज वेलोसिटी भी, सारी चीजें निकाली हैं। इसका जो अगला वाला अगर आप देखोगे वीडियो, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, तो इसमें मैंने चौथा वाला क्वेश्चन कवर किया है। और आज के वीडियो में मैंने क्या क्या बताया, मैंने बताया कि मोशन होता क्या है, उसमें ऑब्जर्वर का क्या रोल होता है, रेफरेंस फ्रेम का क्या रोल होता है, मोशन की डिफिनेशन होती है चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर और रेफरेंस फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऑब्जर्वर की फ्रेम में बदलनी चाहिए। फिर मैंने डिस्प्लेसमेंट बताया, डिस्टेंस बताया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सिमिलरिटीज और डिफरेंस बताया। सिमिलरिटी यही कि दोनों यूनिट मीटर होती है, दोनों की डायमेंशन सेम होती है, अदरवाइज तो सब डिफरेंस ही डिफरेंस है, और कुछ बेसिक क्वेश्चन के मैंने कराए। थैंक यू।